अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात मैं पहले ही बताता चलूं कि आज की वीडियो में गालियां भी होंगी, इसलिए अपने भाई हेडफोन लगाओ या फिर अपनी फैमिली से दूर होकर बैठ के वीडियो देखो। दूसरा, आज हम जिस बंदर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में मेरे बात करने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मैंने भाई साहब रोस्टिंग छोड़ दी थी। मैंने सिर्फ दो वीडियो डक्की भाई और डूब जूतों के ऊपर बनाई हैं, जो कि मैंने जिसके बाद मैंने कहा कि भाई अब नहीं रोस्टिंग वीडियो कोई भी डालनी। लेकिन सुबह उठ के मैंने देखा भाई साहब के कमेंट्स आए हैं मेरी वीडियोज़ के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं कमेंट्स दिखाता हूँ। ये खुद भी ऐसे व्लॉग्स बनाता है और बाकियों को कहता है, डक्की भाई को कहता है, भाई खुद नहीं, सबसे पहले तो होता है खुद। सबसे पहले तो भाई साहब आप लोग जाके सारे मेरे भाई साहब व्लॉग्स देख लो। मैंने किसी व्लॉग के अंदर अपनी थंबनेल के ऊपर लड़की को लाया हूँ या मतलब किसी भी व्लॉग के थंबनेल को इस तरह बनाया हो कि लोग आके देखें। भाई मेरी वीडियोज़ के ऊपर कभी भी 100 से ऊपर व्यूज नहीं आया, ठीक है। कोई एक वीडियो है जिसके अंदर मेरे 200 व्यू हैं या 200-300 व्यूज हैं, ठीक है, और किसी के ऊपर मेरे 100 से ऊपर व्यूज नहीं आया। तो ये भोसड़ी का मादरचोद मेरी वीडियोज़ देखे बगैर मुझकी मेरे ऊपर इस तरह के कमेंट्स करने वाला होता कौन है। आज भाई साहब इनकी वीडियोज़ भी देख ही लेते हैं हम, ये इन्होंने अपनी में क्या डाल है? देखो भैया, जब मैं 3 क्लास में था तब मेरे बचपन में काफी ज्यादा जज्बात जाग चुके थे। तीसरी क्लास में मेरे भाई को मेरा निकल के टट्टी करनी आती होगी, जो भाई के जज्बात जाके। भाई ये वीडियो है तीसरे क्लास में भाई का लव, पहला लव जो फेल हो गया। लव देखो भाई साहब का, ये कहानी उस वक्त स्टार्ट होती है जब मैं था 3 में। उन्होंने पहले बता दी कि ये कहानी है, उन्होंने ये भी बता दी कि 3 क्लास में स्टार्ट होती है। तब मैं नया नया आया था भाई, नया नया स्कूल में आए थे कि नए नए दुनिया में आए थे। दुनिया में नए नए आए तो मेरे ख्याल आप तीसरी क्लास में जा नहीं सकते, तीसरी क्लास में नए नए आए होंगे। आगे सुनो, मेरा टेस्ट भी हुआ था, टेस्ट में मेरे बहरहाल मेरे 0 नंबर ही आए थे। तब मुझे कुछ आता वाता नहीं था भाई को, कुछ आता वाता नहीं था बस। तब भाई को तीसरी क्लास में इश्क करना आता था, इश्क। भाई आपको इसका थंबनेल दिखाओ, ये थंबनेल चेक करो इसका। ये सारा रंडी रोना भाई ने व्यूज के लगाया, लेकिन व्यूज भाई के फिर 28 आए हैं। भाई साहब को तीसरी क्लास में आता वाता कुछ नहीं था, बस भाई को गांड में उंगलियां लेनी आती थी, जो भाई ले रहे हैं अभी। लेने के साथ साथ भाई साहब दूसरों के कमेंट्स में उंगलियां देते भी हैं, लेकिन भाई साहब की जाती ही उंगली नहीं है। भाई साहब को कमेंट लिखना नहीं आता खुद। तो इस लड़की का मैं नाम म्यूट कर दूंगा, इस लड़की का नाम भाई साहब म्यूट कर देंगे ताकि मैं लेके ना भाग जाऊं। भाई असल बात पता क्या है, ये लड़की कोई नहीं, ये इसकी बाजी है जिसका नाम म्यूट करा ताकि मेरी बाजी कोई लेके ना भाग जाए। उसकी पर्सनल लाइफ होती है। क्या क्या बोला तूने? उसकी पर्सनल लाइफ होती है। लोगों को राजनीति से मतलब, मेरा टेस्ट हुआ था तब मैं नया नया मॉनिटर बना था, वो भी मॉनिटर थी लड़कियों की। तब भाई नया नया मॉनिटर बना था, मॉनिटर नहीं बना था, तब भाई लोगों के गांड में देने वाला कीड़ा बना था। और इसकी जो सहेली है वो मतलब तीसरी क्लास की सहेली, वो भी कीड़ी बनी थी। भाई जाओ बेशक मित्र से जाके इसकी पूरी वीडियो देख लो, कोई सेंस नहीं इसकी वीडियो की बनती, ना कोई मतलब इसकी कोई कहानी है। एम ही अपनी तरफ से बोंगियां शोधों वाली हरकतें कर रहा है और अपने आप को भाई साहब स्टोरी टाइम हमारी थर्ड क्लास लव, और हमें कहते हैं भाई खुद की वीडियोस देख लो। भाई मेरे व्लॉग भाई मान तो नहीं सही नहीं होंगे भाई अच्छे, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डक्की भाई की वीडियो में मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं। ये उसके टट्टे उठाने वाला भाई आगे मुझे बातें सुने, मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर रोज वीडियो बनाई है। आगे देखो थर्ड क्लास में गांड धोनी आती थी, जो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर में दूसरी दफा मांगने पे सालन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मैंने गर्लफ्रेंड मिली है और वो भी तीसरी क्लास में। तो वो चलेगी मेरी दिल से चलेगी, पता कैसे, तब मैं 5 क्लास में था। फिर इसी क्लास का इश्क भाई का 5वीं क्लास तक चल रहा है। वाह वाह भाई वाह। मैंने जंप कर लिया 5 क्लास से 6 क्लास में, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू बच्चा था, इसलिए तो भाई के 0 नंबर आए थे। यहाँ पे भाई पढ़ाकू बच्चे हो गए हैं, बच्चे भाई, तीसरी क्लास के बच्चे भाई। तो तीसरी क्लास में तेरा खड़ा होता था जो तेरी गर्लफ्रेंड है, यार मुझे बताओ यार कहाँ की दुनिया, क्या चल रहा है यार। फिर वो मेरे साथ नहीं रही, वहाँ पे सारे ऐसे पलीत बच्चे थे, काले 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 अफ्रीका से भाग गए बच्चे, गंदे तड़ी। फिर वो भाई के साथ नहीं रही क्योंकि वो काले पलीत बच्चे इसकी बहन उठा के ले गई, और भाई साहब भी रो रहे हैं, मतलब के भाई की गांड भी मारी उन्होंने। मैंने उनको कहा था ना भाई आपकी गांड मैंने नहीं मारी, लेकिन जिन्होंने मारी उनका बताऊंगा भाई साहब, वो यही है। बहुत देर उन गंदे गंदे बच्चों के साथ गुजारा, इतना मैं डिप्रेशन में चलेगा, इतना डिप्रेशन में। लगता है भाई साहब की कुछ ज्यादा ही गांड मार ली, जो भाई साहब डिप्रेशन में चले गए। हाँ जाहिर सी बात, जब इतनी देर उनके साथ रहे तो फिर इतनी दफा भाई की ली भी होगी उन्होंने। ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। फिर भाई ने उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। भाई बच्ची है कि तेरी के यार 5 रुपए का तेरा गुम हुआ वो सिक्का, क्या तो इस तरह जिस तरह तेरी अम्मा गई हो बाजार सब्जियां लेने और वो गुम हो गया, उसको ढूंढने गया, वो बच्ची ढूंढने गया कि अपना 5 रुपए का गुम हुआ सिक्का, बता यार क्या कर रहा है। मेरे ही मोहल्ले में, किसी शहर में ही रहती है, किसी मुल्क में मेरे ही रहती है,
तो मैं उसको ढूंढता रहा बस इन्हें एक बार भाई लभ भी लिया तो फिर आप गल करते हैं। कोई तो बड़ी लंड वाला मेरी गांड मार ले प्लीज, कोई तो मेरी मार ले, कोई तो मेरी ले ले। बस रिजेक्शन ही मिली। सॉरी, मुझे लगता है गलत हो गया भाई, रिजेक्शन नहीं कहना चाह रहे भाई, इंजेक्शन कहना चाह रहे कि मुझे हर जगह से इंजेक्शन ही मिला। ढूंढना चाह रहा था जब मुझे कोई कहता हाँ मुझे पता है उस कि तुमने गांड मरवा बहुत खुली कर ली, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं लेना चाहता। मैं स्कूल में जा रहा था उन पलीत गधे बच्चों के बीच में, इसके इसे इसकी भागी हुई बहन मिल गई। गेट में आई थी वही लड़की, तो मैं उसको देख के ही पिघल सा गया। क्या मैं क्या बोला तूने? पिघल सा गया। फिर उसने कहा कहाँ थे इतने दिन से, कहाँ थे इतने दिन से भाई, इन फ्रीका के भागे हुए कालों ने मेरी इतनी ली कि अब तो भाग चुकी है। और बैठा ही रहा, बैठा रहा खाता रहा गाता रहा लेता रहा भाई। इसकी वीडियो में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बेशक जाके देख लो। फिर आंटी आई, उन लोगों ने कहा बेटा क्या खाओगे, मैंने कहा आंटी पुज्जे लांदे टट्टियां दा हलवा। इतने टाइम बाद इतने ही बड़े नंटटल हदी के खाई नहीं हो रहे थे, फिर मैंने छोटे छोटे तोड़ तोड़ के फिर खाए। तो आज की वीडियो होती है भाई हमारी यहीं पे खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देंगे ताकि भाई इस तरह के रोस्ट वीडियो और व्लॉग्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी भाई किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि भाई साहब मैंने सिर्फ मजाक किया, मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं किया। भाई साहब ने मेरे ऊपर हेट कमेंट्स किए, मैंने उसको सिर्फ जवाब दिया भाई साहब की वीडियोस देख के और उनका कंटेंट देख के जो उन्होंने मेरे कंटेंट के ऊपर कहा। भाई आप लोगों को पता ही है मैंने सिर्फ टक्की भाई की और डूबी तो की रियलिटी बताई थी, उसके ऊपर कोई रोस्ट नहीं किया, उसके ऊपर मैंने कोई गाली नहीं दी। लेकिन आज वाली वीडियो के ऊपर मुझे मजबूरन गाली देनी पड़ी। कोई गाली देने वाली वीडियो बंदा उसके ऊपर देता है, कोई ना देने वाली वीडियो उसके ऊपर बंदा नहीं देता। मैं खुद टक्की भाई का और अरदूप जितोई का फैन हूँ, लेकिन भाई साहब पहले था अब नहीं, क्योंकि भाई उनकी वीडियोज उनका कंटेंट ही ऐसा है जिस चीज़ों को वो रोस्ट करके आगे आए वही चीज़ वो खुद कर रहे हैं। भाई फायदा ऐसे लोगों को देखने का। और भाई साहब आप लोग भी मेरी वीडियो के ऊपर हेट कमेंट कर रहे कुछ ले नहीं सकते, मेरा भाई साहब कंटेंट ही बना है, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं भाई ये बात कबूल करता हूँ कि मैंने तुम्हारी हेट कमेंट का अपने ऊपर सिर्फ कंटेंट बनाया है कि भाई साहब मेरा कंटेंट बन गया और कुछ भी नहीं। भाई इसलिए हेट कमेंट्स ना करो भाई साहब, अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि भाई हमें भी खुशी हो, हम भी आगे मेहनत करें और अच्छी वीडियोस बनाएं। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ओनली गेमिंग की टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो के ऊपर हर लाइक ना करने वाले पे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।